लालू यादव द्वारा कांग्रेस प्रभारी के लिए किए गए अपशब्द का प्रयोग के बाद बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता और समर्थक नेता लालू पर हमलावर हो गए हैं। जेएपी सुप्रीमो पप्पू यादव सोमवार को पटना पहुंचे तो उन्होंने इस बयान पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने लालू यादव पर आरोप लगाया कि नव सामंत की तरह दलितों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। एक बजे रात में वो जाते हुए बता दिए कि परिवार से बाहर कुछ भी नहीं है, चाहे वो जगदानंद जी हो चाहे कोई। दूसरी बात, 1990 की याद लालू जी ताजा कर रहे। कांग्रेस के बिहार प्रभारी दलितों के बड़े नेता हैं, उनका लालू ने अपमान किया है। यह मानसिकता क्या सामंतवादी की नहीं है। पप्पू ने कहा कि लालू पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बन गए हैं। वह संजय की आंखों से बिहार को देख रहे हैं। आज भी उनके लिए परिवार ही सब कुछ है। 1990 से लेकर अभी तक दलितों के प्रति उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। दलितों के प्रति उनकी सोच नकारात्मक रही है। दलित नेताओं को अपमानित करना उनकी पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि जन अधिकार पार्टी लालू प्रसाद के दलित विरोधी बयान की निंदा करती है। एक बजे रात में वो जाते हुए बता दिए कि परिवार से बाहर कुछ भी नहीं है, चाहे वो जगदानंद जी हो चाहे कोई। दूसरी बात, 1990 की याद लालू जी ताजा कर रहे कि लालू जी में कुछ भी नहीं बदला। कभी रंगा भुला, कभी याद कीजिए रामविलास जी को क्या गाली देते थे, श्याम रजक को क्या बोलते थे, याद करिए आप उदय नारायण चौधरी को क्या बोलते थे, माझी जी के बारे में उनकी क्या फीलिंग थी। तो लालू जी, हम पहले कहते हैं कि मैं सामंतियों के खिलाफ मैं लालू बना, यह मानसिकता क्या सामंतवादी की नहीं है। ये नव सामंतवादी शोषक सत्ता में आने के बाद जब आप बनिएगा और 2022 में भी आप 1990 की भाषा का प्रयोग करिएगा तो इन्हीं बातों से ना लोग कहते हैं कि 1990 और 2022 में उनके और उनके परिवार में कुछ भी नहीं बदला है। तो लोगों को डर लगता है कि चेंज कुछ नहीं होता है।